हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है संभव और आज हम लोग आए हैं जय स्टोर्स। जैसा कि आपको पता है, जय स्टोर्स की हमारी 3 वीडियो है और हमारी अगली वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि वह क्रंची केकड़ा बर्गर। हाँ, नाम आपको थोड़ा यूनिक लग रहा होगा, लेकिन बर्गर उससे ज़्यादा यूनिक है। तो चलिए अंदर जाते हैं, भैया से फिर से बातें करते हैं और हमारा क्रंची केकड़ा बर्गर टेस्ट करते हैं। तो चलिए। तो यहाँ है हमारे सनी भैया। और भैया नमस्ते, और आज आप हमें क्या खिलाने वाले हैं? जय स्टोर का नया बर्गर एक इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है और मेन्यू भी हमारे भाई ने बनाया है, क्रंची केकड़ा बर्गर। तो ये देख सकते हैं जय स्टोर का मॉडिफाइड और एकदम नया मेन्यू। और इसके में जो न्यू आपको दिख रहा है क्रंची केकड़ा बर्गर, जो कि बहुत ही क्रंची होने वाला है। और हम देखते रह जाओगे, आपको टेस्ट करना है। तो भैया बताएं कैसा क्या है इसमें। ये अभी तक का सबसे यूनिक बर्गर है जय स्टोर का। ठीक है, इसका हमने नाम दिया है क्रंची केकड़ा बर्गर, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत क्रंचीनेस है, कुछ यूनिकनेस है, वो खाने पे ही पता पड़ेगा। तो इसकी प्राइस क्या है? ओनली 75 रुपीज़। बहुत इकोनॉमिक है बर्गर की रेंज में। अभी तक का सबसे ऐसा रेंज का बर्गर है जो शहर में कहीं 75 रुपीज़ का बर्गर में भी इस रेंज में कहीं ना मिले। तो भैया ने यहाँ पर अपने 8 से 10 न्यू आइटम्स निकाले हैं, उसमें से एक मेरे को बहुत अच्छा लगा जो कि है क्रंची केकड़ा बर्गर। और यहाँ देख सकते हो मेयो सलाद बर्गर। तो बहुत सारे ये पूरा मेन्यू है, मॉडिफाइड मेन्यू, तो आप आ सकते हो। तो भैया, जो हमने पिछली वीडियोस आपकी बनाई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पिछली वीडियोस से जो भाई ने सपोर्ट किया है जय स्टोर को, उससे नए कस्टमर्स बहुत इंस्टीट्यूट हुए हैं, उनको नई चीज़ों के बारे में पता पड़ा है कि क्या क्या चालू हुआ है आज के ज़माने के हिसाब से। जबलपुर की यंगस्टर ज़्यादातर इतना यूनिकनेस और क्रंचीनेस वाली चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो आपको भी यहाँ गेट नंबर 3 राइट टाउन इन फ्रंट ऑफ यूनियन बैंक जबलपुर में है, और प्राइस आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। तो हमारा बर्गर बन चुका है, अभी ये लाएंगे और उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हमारा क्रंची केकड़ा बर्गर आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो भैया, इसका नाम अपने क्रंची केकड़ा ऐसा क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि नॉर्मली वेज बर्गर, चीज़ बर्गर, पनीर बर्गर तो बहुत आम है। हाँ, हमारे नामकरण का तरीका ही है कि कुछ यूनिक। अच्छा। कुछ अलग, कुछ अगल रखना ही जय स्टोर की खासियत है। अच्छा। इसी कारण से हमने क्रंची केकड़ा बर्गर रखा है। हमारी जय स्टोर एक वेज ऑप्शन है, लेकिन वेज ऑप्शन में भी फिर भी हमने नाम वेज के ऑप्शन में ही रखना चाहते हैं। अच्छा, तो हमारे बर्गर को हम लोग टेस्ट करते हैं। ये देखो क्या ही शानदार लग रहा है। तो ये पैटी है, पैटी तो मेरे को लग नहीं रहा है, मतलब इतनी क्रंची दिख रही है ना, पास आके आप देख सकते हो। ये देखो क्रंचीनेस भरी हुई है। और वेजीज प्रिपेयर्ड है, कुछ भी इसमें ऐसा फ्रोजन आइटम नहीं है। अच्छा, कुछ भी ऐसा आइटम नहीं है जो हमने मार्केट से प्रिपेयर किया है। तो 6 डेज भैया की खुली रहती है और संडे 2:30 बजे तक खुली रहती है, जो कि अभी 2:30 बज रहा है और आज संडे है। तो आपको आना है तो 2:30 बजे से पहले आ जाइए, नहीं तो 6 डेज वर्किंग डेज हैं, आप कभी भी आ सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी बाइट लेते हैं। हाँ, लॉकडाउन में भी पूरा। अच्छा, लॉकडाउन में भी आप लोगों की सेवा में भैया रहे। मुँह में आएगी एक बाइट ली, बहुत औसम लगी। तो बहुत ही ऑसम लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है। ये जो क्रंचीनेस है ना, ये केकड़ा की फील देता है। तो लाजवाब, और क्या ही बोला। तो इसका रेट मैं करूँगा 10 out of 10 या 100 out of 10, क्योंकि तो बहुत ही शानदार लग रही है, देख सकते हो। तो चलिए अब इसको ख़त्म करते हैं, और अगर आपको आना है तो आ जाइएगा। अभी आपको मेरी वीडियो से आ गया तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो मेरी देख के बता दीजिएगा भैया को। ये है सनी भैया, और इसको ख़त्म करते हैं। तो चलिए खाते हैं। तो अभी हम लोग ने क्रंची केकड़ा बर्गर खाया, और जो कि बहुत ही क्रंची था, एकदम क्रंचीनेस भर के भरी हुई थी उसमें, क्या ही बोले। तो ये पूरा उनका मेन्यू है भैया का, और इसमें सबसे मेन है उनका ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जय स्टोर्स पेटेस कॉर्नर, और पिंटू भैया की शॉप नाम से भैया बहुत मशहूर हैं, क्योंकि पिंटू भैया उनके पापा का, पिताजी का नाम था, जो कि बहुत फेमस हुआ अपनी ऑनियन पेटेस के लिए। और उसके बाद भैया ही ने ये सारे जो इनके आइटम्स हैं वो सब उनके दिमाग में आए और उनने शॉप को आगे बढ़ाया। और भैया, इसमें जो सब भी है वो आपके पास अवेलेबल रहता है ना एवरी टाइम? हमारे वर्किंग शेड्यूल में हमेशा अवेलेबल रहता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो। अच्छा,
और जो ये जो स्पेशल बनाते हैं वो यहाँ पर आपको बता देंगे कि आज ये स्पेशल है, आज ये स्पेशल है, तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हो। और भैया आपकी शॉप जैसे 30 ईयर्स हो गए हैं और हमारी 4 वीडियोस बन चुकी हैं, तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और अगर इनकी शॉप आए पिंटू भैया की शॉप तो कमेंट करके बताना और कैसी लगी पेटेस बताना, और पेटेस क्या बर्गर बहुत ही औसम है। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।